हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज लॉयड स्टील इंडस्ट्री में हमें -3.33% का एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। करंट प्राइस है 11.50, 11.60 फ्रेंड्स, सॉरी, मैंने 11.50 का टारगेट दिया था डाउन ट्रेड, जो उसके काफ़ी। आज मार्केट नेगेटिव है। नेगेटिव का रीज़न है, आप मेरी जाके कल की वीडियो देख लीजिए, मैंने लेट नाइट एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको सिंपली बताया था कि मार्केट डाउन होने वाली है बिकॉज यूएसए मार्केट भी डाउन थी और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में पड़ना ही था। सो फ्रेंड, इसीलिए आज सारे शेयर्स ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट पैनिक मत कीजिए, लॉन्ग टर्म का व्यू है, बने रहिए। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट भी देने वाली हूँ। ASM स्टेज से भी फ्रेंड्स ये शेयर बाहर हो गया है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 12.42, देन है 12.83, देन है 13.12। तो 13 क्रॉस डेफिनेटली करेगा, पैनिक मत होइए। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इसका 11 रुपीज़ का, तो उसे कंसिडर करके चलिए। तो अब कल क्या हो सकता है, कल क्या हमें देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बताऊंगी। एक गुड न्यूज़ आई है मार्केट से रिलेटेड, उसकी वीडियो मैं आपको लेट इवनिंग पोस्ट करूंगी, डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, चांसेस हैं कि कल मार्केट ग्रीन रहे, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड आई है। आज का वॉल्यूम है 18 लाख का, तो वॉल्यूम डिसेंट है इसमें। स्टील सेक्टर का पेनी स्टॉक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेके भी एक अच्छी गुड न्यूज़ आई थी, तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में हमें मल्टीपैक का रिटर्न ज़रूर देगा। मार्केट इस टाइम पे न्यूज़ पेज चल रही है, तो आपको इसी रीज़न से हमें गिरावट देखने को मिली। 71% लोग कहते हैं बाय करना चाहिए, 29% कहते हैं होल्ड करना चाहिए, तो सेल करने को कोई भी नहीं कह रहा, तो जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं शेयर के। ROC पॉजिटिव है, ROE पॉजिटिव है, बहुत बिग क्लाइंट्स हैं एंड स्टील सेक्टर में एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इनके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, महाराष्ट्र में इनका ऑफिस है, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनका काफ़ी सपोर्ट है इसे, और वो शेयर एक पेनी स्टॉक से 200 तक पहुंचा है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, 57% के आसपास। अब बात करते हैं टारगेट्स की, तो फर्स्ट टारगेट आप 12 रुपीज़ का लेके चलिए यहाँ से, और जो मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बताया है डाउन ट्रेंड का 11 रुपीज़ का, वो लेके चलेंगे हम। चांसेस हैं कल मार्केट ग्रीन में रहेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉयड स्टील इंडस्ट्री शेयर। कोई नेक्स्ट न्यूज़ आती है डेफिनेटली बताऊँगी वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कोई भी क्वेरी हो, कहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी है पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड शेयर में लॉन्ग टर्म का व्यू है, बने रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कब एंट्री लेनी है मैं खुद बताऊँगी।